मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 10 और 10 बजे। देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है, ये देखो। मतलब आज सच में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हवा देखो कितनी ठंडी ठंडी चल रही है, पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ ना सामने ही खाली ग्राउंड है, यहाँ पर कभी कभी गाय भैंस कुछ भी मतलब यहाँ पर अपना ही घास वूस खाने आ जाते हैं। यहाँ पे यास्मिन, यास्मिन सबको गुड मॉर्निंग बोल। इधर देख के बोल, जल्दी बोल। देखो सब ऐसे इसको ना बोला करो कमेंट में कि शर्माती बोलते। जल्दी बोल, सब कह रहे यास्मिन कितनी गंदी है। अच्छा कल की तारीफ तो कर दे मेरी बहने, तो तेरे लिए ईदी अच्छे से दिखा। देखना इसको यार, ऐसे अच्छे लगती है, कोई ऐसे शर्माता है दुल्हन की तरह। नहीं बता रही ना, जा मैं तेरे से बात नहीं कर रही, चल। तो यार ये बहुत गंदी लड़की है, मेरा सपोर्ट कभी भी नहीं करती है। मैं इसको इतना सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ में, और ये मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मैं इससे आज के बाद बात नहीं करूँगी, कट्टी गंदी बच्ची। तो आज है संडे, और संडे को देखते हैं क्या प्लान होता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो यार मेरी तबीयत भी ख़राब होगी, पता है मेरी तबीयत ख़राब होगी। मेरी ना नेचर की तरफ से तबीयत ख़राब हुई है, मतलब जो भगवान ने लड़कियों को प्रॉब्लम दे रखी है वो मेरे हो गई अभी। आज तो थोड़ा सा मन भी अजीब सा लग रहा है, पेट में पेन भी हो रहा है। बाकी देखते हैं। लड्डू गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। और हाउ आर यू? और आई लव यू। ये बोलती है ना आई लव यू, तो लड्डू यास्मिन बोलती है आई लव यू वन, तो ये चिड़ चिड़ जाती है। तो चलो बस मैं जल्दी से काम वाम करवाती हूँ, रेडी वेडी होती हूँ, और अपने संडे को एंजॉय करती हूँ। तो मिलते हैं बाद में। देखो ये सुबह सुबह कैसे चिल्ला रही है इसको। बेसन के लड्डू कौन बोलता है आपको? बेसन के लड्डू कौन बोलता है? बेसन का लड्डू ये दीदी बोल ये पिक। हम ना इसको ना लाडो लाडो बोलते थे, अब क्या सब ना इसको लाडो तो बोलते नहीं, बेसन का लड्डू 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 बोलते हैं। इसने भी अपनी पकड़ ली बात, कह रही मम्मा दीदी बोलती है बेसन का लड्डू। और है इसको बोलते प्यार से हम लाडो है, क्योंकि ये हमारी लाडो है, और सब बच्चे लड्डू लड्डू। ये देखो बादल आज कैसे हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन बादलों में जाके बैठ जाऊं मैं। ये मिट्टी है तो और कितनी मिट्टी ज्यादा डालोगी? और नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, मट्टी लग जाएगी। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ना अभी इन बादलों में से हटा के बादल और निकलेंगे और मेरे से बात करेंगे। बोल बेटी तुझे क्या परेशानी है? पर पता नहीं भगवान जी मुझे कब बोलेंगे ऐसा। मैं तो भगवान जी को ना भगवान जी के चरणों में ऐसे लेट जाऊंगी, और क्योंकि मुझे साथ ले चलो अपने, इतना अच्छा लग रहा है बादल। तुम ना तुम लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। चलो और रैबिट रैबिट को देखो, रैबिट को। चलो मैं जाती हूँ, थोड़ा सा इनसे काम वाम करवा लूँ, फिर मिलती हूँ। बनी को भी लेके आ गई, सॉरी बनी को लेके आ गई बाहर कि मेरे साथ खेलेगा। मेरे को तो डर लग गया एकदम से, छलांग लगा रहा है ये, देख लगा रही थी ये देखना, मैं तो डर गई यार एकदम से, छलांग लगने का गिर जाएगा। खिला ले इसको, लड्डू को बहुत शौक है हमारे, ये लड्डू को देखना इसको ज्यादा शौक है। पोटी लगी है वो, वॉश करो। हाँ चलो वॉश करो। देखो फ्रेंड्स मैं सो के अभी उठी हूँ, और ना अंदर ऐसे विंडो मेरी थी तेज आवाज़ कर रही थी, और गेट भी तेज आवाज़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी तेज़ आंधी आ रही है। उधर देखो उधर भी आंधी आ रही थी, अभी इधर भी आंधी आ रही है, और मेरे यहाँ पे बालकनी में इतनी मट्टी आ गई आंधी से देखो, और अभी भी पन्नी उड़ रही है, इतनी तेज़ आंधी आई। बाहर निकल गए तो देखो बहुत तेज़ आंधी आ रही है, देखो रोडों पर भी कूड़ा कितना फैल गया, देखो इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई। मैं बस बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ, मैं आँख भी नहीं खुली, और आवाज़ को देख के ना मैं भागी भागी बाहर आई। तो आंधी इतनी तेज़ आ रही है, मौसम ठंडा आ रहा, पर लग रहा है बारिश आएगी फिर से, और बहुत तेज़ मतलब आंधी आई है। तो मैं अभी सो के उठी, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ। जब तक मैं भी आंधी को देख लूँ कैसी आई, मैं कितने जानी, ठीक है? तो मैं फ्रेश होकर आपसे मिलती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स सामने छोटू सा वो दिख रहा है, ये पन्नी है, और पन्नी देखो आसमान में कैसे जा रही है, ये पन्नी उड़ रही है देखो, और किसी ने कोई धागा नहीं बांधा, कुछ नहीं बांधा, ये खुद उड़ी जा रही है।
यार ये पन्नी ऊपर तक जा रही है हवा में और कोई धागा नहीं है, कोई कुछ नहीं, देखो बिल्कुल चिमनी सी है, पन्नी उड़ती उड़ती जा रही है, ये देखो नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, और बादल देखो कैसे हो रहे हैं, और वो पन्नी उड़ी जा रही है, वो वही चिमनी सी पन्नी। आज तो खतरनाक मौसम हो गया यार। देखो फ्रेंड्स, कौन कहता है 5 साल का बच्चा झाड़ू पोछा नहीं कर सकता। ये देखो मेरी बेटी 5 साल की हो गई, और ये देखो ये बाहर वाइपर मार रही है, पूरा साफ कर रही है, यहाँ से खुद ने धोया है, और अब ये खुद ये देखो ये वाइपर मार रही है। तो जो कहता है ना कि 5 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता, ये उसको जवाब दे रही है कि मैं कर सकती हूँ। उनका यास्मीन खड़ी, यास्मीन सो के उठ के आई है अभी, और मैं भी सो के उठी थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं लड्डू इतनी हूँ। आप भी सो के उठे हो? बस ये सो के उठ गई, और उठते के साथ इसको दिख गया कि बालकनी गंदी है। हैं? दूसरा वाइपर। ये बेकार है? ये बेकार नहीं है। बस ये भाई इससे तो होने रहा, तो ये बेकार है। बेकार नहीं है। दूसरा लेके आए? चलो दूसरा वाइपर लेके आते, उससे करेंगे, क्योंकि ये बेकार हो गया इसकी नजर में। चलो मैं वाइपर मारती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं मार लेती हूँ वाइपर। चलो मैं करती हूँ यहाँ से क्लीन कर। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ लड्डू को लेके मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि लड्डू की डायरी में ना एक मेडिकल फॉर्म भरना पड़ता है, तो मेडिकल फॉर्म भरवाऊंगी, तो बस वहीं जा रही मैं। यार पता नहीं क्या भूल गई, लड्डू जल्दी आओ, क्या रह गया अब। गंदा रहा मुंह, गंदा और साफ कर ले, मुंह भी साफ नहीं करवा रही, गंदा ही मुंह लेके जा। चलो कोई नहीं, जा रही हूँ और दिखाती हूँ आपको जो भी होता है। कहाँ जा रही हूँ? चिल्लाए मत, तो तेज शोर करती है, कुछ बिल्डिंग में हल्ला मचाती है। मत कर मत कर मत कर, लड़ो चलो। देखो सिर्फ ड्रामे कर, लड़ते भी हैं और फिर साथ भी रहते हैं। चलो मैं जाती हूँ, मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम आए हैं डॉक्टर के लड्डू को लेके, उसका स्कूल का फॉर्म फिल करवाना था, तो वो करवा रही है अपने डैडी के साथ अंदर। मैं आ गया आपको बाहर दिखाने। देखो यहाँ पे अच्छा डॉक्टर, जब लड्डू छोटे थे यहीं से इसका इलाज करवाते थे, बट अब बड़ी हो गई और दूर पड़ता तो यहाँ नहीं, हम फिर हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी ये हॉस्पिटल है, दिखाते हैं कैसे। देखो फ्रेंड्स, लड्डू को लेके आई यहाँ पे मैं, टॉय दिलाने पीछे पड़ी हुई, टॉय लेना समझ नहीं आ रहा क्या ले। ये देखो माता सुंदर सुंदर है, तो देख रही हूँ क्या लेना है। चलो मैं इसको दिला दूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे, तो टाइम यहाँ रात हो गई। तो फ्रेंड्स हम आ गए हॉस्पिटल से, मतलब इसका वो फॉर्म फिल करवा के, लड्डू टॉय दिखाओ क्या लेके। लड्डू टॉय लेके आई है, ये वाला लड्डू भी बेबी है, तो बस ये दिला के लेके आए हैं। अब आए हम घर पे और बस अब खाना वाना खाएंगे, और कितना शोर मचा रही है, मतलब टॉय लाते के साथ शोर मचाना चालू, टॉय भी है। तो पता है कहीं भी चले जाओ बाहर, बट जो अपने घर में खोल देवी, घर में आके जो रिलैक्स मिलता ना, वो कहीं नहीं मिलता। आ गई मैं घर में, बाहर चले तो जाओ पर थकावट हो जाती है बाहर थोड़ा सा ही घूमने में। और ये मेरे हनी बनी, ये देखो ये खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा कहाँ गई। तो बेटा मम्मा आपकी आ गई, हेलो मम्मा आ गई बनी की मम्मा आ गई, जगह से खड़ा होके खेल, बनी की मम्मा आ गई। तो बस अब कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में चेंज वेंज करके, ठीक है। तो जीरे वाले तो चावल बनाएगी ना? नहीं जीरे वाला नहीं, जीरे वाला खाएंगे। तो ऐसे ही बना ले, बात हमारी आलू मटर की सब्जी रखी है ऐसे, ठीक है। और ये हमारा चिकन आया है होटल से, क्योंकि हमारे होटल पे चिकन बनाया था उन्होंने, था पूजा ने, वो जो पूजा निशा की बहन होटल पे, उसने चिकन बनाया तो मेरे लिए भेज दिया, तो मैंने कहा चलो खा के देखेंगे कि कैसा है, जब तो अच्छा रहा खाएंगे तो पता चलेगा। और यास्मीन उधर बना रही है राइस, हाँ सब्जी के साथ खाने के लिए, और लड्डू
अपने गेम के साथ, रैबिट अपने बर्ड्स के, अपने कपल दोनों खेल रहे हैं। मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए कपड़े, मैं जब तक वैसे मतलब नॉर्मल से और वैसे ना पहनूँ ना, खुले खुले से कटे पटे से, तो मेरे को मज़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है भारी भारी, मतलब भारी भारी सा, मतलब मैंने क्या पहन लिया। ये पहना ना, ये तो कंफर्टेबल है और ये भी तो अच्छा लग रहा है, अभी मतलब रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो बस अब खाना बन जाए, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। लड्डू लड्डू दिखाओ, मम्मा भी खेलेगी। इसने गिफ्ट शॉप पे इतना दुखी कर दिया, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, दुखी होगा। फिर मेरे को लास्ट में ये दिखा, ऊपर रखा हुआ, मैंने कहा यही तो मांग रही थी लड्डू तुम, फिर ये दिख गया, फिर इसने ये लिया, वरना ये नहीं दिखता तो ये भी नहीं लेती। मजा आ गया, देखो कितनी तेज चिक्की। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ कुछ खा के। बना तो अच्छा है, पर इसमें थोड़ा ना नमक तेज है, नमक तेज लग रहा है। डाले की करते हुए बना तो ठीक है, पर नमक तेज कर दिया। और ऑयल देखो कितना है, देख ऑयल कितना सारा है। मैं बनाती हूँ, मैं इतना ऑयल नहीं डालती, और मैं बनाती हूँ, मैं दही वाला बनाती हूँ, वो अच्छा लगता है, पर ये वाला ना नमक तेज बना के डाल दिया। और मम्मी बनावे ऐसा सुंदर हूँ, बार बार खाने मन है। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया है, खा पी के बस अब सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल जाना है लड्डू को स्कूल, तो इसको स्कूल के लिए जल्दी सुलाना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना और मेरे ब्लॉग को शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि खाना खा लेना तो बोला जाएगा। तो लड्डू का टॉय भी देख लो, ये लड्डू टॉय लेके आई है, जिसके पीछे इसने दुकान में बहुत शोर मचाया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ ये निशान को इग्नोर करना, ये निशान बस हो गया। और चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए ब्लॉग के साथ।